बिल्कुल नई रेसिपी है, सेहत का खजाना लेके आया हूँ। आपके यहाँ पर इसे क्या बोलते हैं वो मुझे जरूर कमेंट करके बताइएगा, मैं बता दूंगा कि हमारे यहाँ पर क्या बोलते हैं, राजस्थान के अंदर इसे क्या बोलते हैं। और बहुत ही लाभदायक है हमारे शरीर के लिए, चाहे वो हार्ट की प्रॉब्लम हो, चाहे दांतों की प्रॉब्लम हो, चाहे पेट की प्रॉब्लम हो। तो बस बहुत ही शानदार रेसिपी लेके आया हूँ दोस्तों, आगे बताऊंगा इसे क्या बोलते हैं, यहाँ तक सस्पेंस रहने देते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये रेसिपी। तो ये देखिए मैंने लिए यहाँ पर करौंदे। जी हाँ, करौंदे हैं, राजस्थान में हमारे यहाँ पर इसे करौंदा बोला जाता है। बरसातों के मौसम में बहुत ही ज़्यादा पाया जाता है। और बस इसको मैंने लिया है 250 ग्राम। ये हमें करौंदे का सेवन करने से हमें भरपूर मात्रा में प्रोटीन, विटामिन सी, आयरन और कैल्शियम मिलता है, फॉस्फोरस मिलता है। और ये दांतों के लिए भी बहुत फायदेमंद होता है। और पेट की समस्या, चाहे पेट में आपकी गैस हो, एसिडिटी हो, कब्ज हो, उसके लिए भी बहुत फायदेमंद है। और सबसे बड़ी बात, अगर खून की कमी हो शरीर के अंदर, तो उसके लिए तो ये रामबाण इलाज है। वजन आपको कम करना है, उसके लिए रामबाण इलाज है। लाखों मतलब फायदे दे सकता है। तो ये मैंने 250 ग्राम लिए हैं, और इसकी जो डंडियाँ थी ना, पीछे की जो डंठल थे, वो मैंने इसके निकाल लिए। इनको अच्छी तरह धो लिया है। धोने के बाद इसे मैंने पोंछ के सुखा लिया। जी हाँ, सुखाना बहुत ज़रूरी है, ये ध्यान रखिएगा। इसे इसकी सब्जी बनती है, इसकी अचार ही बनता है, और इसके लिए आप जूस भी पी सकते हो। तो बस मैंने धोने के बाद, सुखाने के बाद, कपड़े से पोंछने के बाद इसे काट लिया है। तो दो पार्ट में इसे काटना है, ध्यान रखिएगा। हमारे यहाँ पर करौंदा बोला जाता है राजस्थान के अंदर, आपके यहाँ क्या बोला जाता है मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैंने 4 हरी मिर्ची ली है, ये खट्टी मीठी सी इसकी एक रेसिपी बना रहा हूँ। इसे आप चटनी बोल सकते हैं, अचार बोल सकते हैं, सब्जी बोल सकते हैं। 4 हरी मिर्ची जो मैंने बिल्कुल वो ली है, जो तीखी नहीं हो। 1 टीस्पून मैं इसके अंदर ले रहा हूँ कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। जी हाँ, 1 टीस्पून ले रहा हूँ धनिया पाउडर। इसे हम पानी में भिगोएंगे हमारे मसालों को। थोड़ा सा हमारा हल्दी पाउडर 1/4 टीस्पून के आसपास, नमक स्वाद के अनुसार, बाकी आधा टीस्पून ले रहा हूँ। और इसके अंदर डालेंगे थोड़ा पानी। पानी अगर हम मसाले के अंदर डाल देंगे ना, मसाले के अंदर पानी को में भिगो देंगे मसालों को, तो मसालों का फ्लेवर ही बहुत अच्छा आता है, वो जलते नहीं है। अगर सूखी सब्जी आप अगर कोई बना रहे हैं ना, तो मसालों को पानी के अंदर जरूर भिगो दीजिए, ये ध्यान रखिएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट स्टेप के ऊपर। यहाँ पर मैंने लिया सरसों का तेल। जी हाँ, देसी रेसिपी बना रहा हूँ, तो देसी स्टाइल से बनाएंगे। सरसों के तेल को करते हैं गर्म। जी हाँ, सरसों का तेल जैसे ही गर्म होगा, यहाँ पर आधा टीस्पून डाल रहा हूँ जीरा, और 1/4 टीस्पून डाल रहा हूँ कलौंजी। कलौंजी जरूर डालिएगा, इससे फ्लेवर बहुत ही लाजवाब आएगा इसके अंदर। 1 टीस्पून सौंफ, साबुत सौंफ, जी हाँ, जो हम जो घर में खाते हैं। और इसे हम पकाएंगे कम से कम 40 से 50 सेकंड, कि सारा का सारा अरोमा आ जाए और ये अच्छी तरह से पक जाए, इनका एक सौंदा सा फ्लेवर इसके अंदर आ जाए। तो मैंने 40 से 50 सेकंड इन्हें पकाया है। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके अंदर हम डालेंगे हमारी हरी मिर्ची। जी हाँ, हरी मिर्ची डालेंगे, और हरी मिर्ची को मैंने रफली चॉप किया है। जी हाँ, ध्यान रखिएगा, बारीक चॉप मत करिए, रफली चॉप करिएगा, क्योंकि खट्टी मीठी सी सब्जी बना रहे हैं, इसकी चटनी बना बोल सकते हैं आप इसे। 1 महीने तक स्टोर करके रख सकते हैं और खा सकते हैं। फायदे मैंने आपको बताए दिए इसके, कितने फायदे हैं। 1 मिनट तक मैंने हरी मिर्ची को शैलो फ्राई, जिसे बोलते हैं ना, वो किया है। जी हाँ, इसके अंदर शैलो फ्राई किया है। ये हमारी हरी मिर्ची बिल्कुल पक चुकी है। अब इसके अंदर हम डालेंगे हमारे मसाले। जी हाँ, पानी में इसलिए भिगो के रखे थे क्योंकि सूखे मसाले डालते तो वो जल जाते। और इसी के साथ हम डाल देंगे हमारे करौंदे। जी हाँ, और करौंदे डालने के बाद इसे हम 2 मिनट तक बिल्कुल इसी तरह से पकाएंगे, मीडियम फ्लेम के ऊपर। जी हाँ, 2 मिनट तक पकाना है, मसाला भी अच्छी तरह से लिपट जाए इसके ऊपर। और मसाला इसलिए हमने डाला था, पानी जले नहीं बस। तो ये 2 मिनट मैंने इसे पकाया। अब इसे ढक्कन लगा के पकाएंगे हम मीडियम स्लो फ्लेम के अंदर। ध्यान रखिएगा, ढक्कन लगा के पकाएंगे, लेकिन बीच बीच में चेक करते रहेंगे। वैसे तो हम 5 मिनट के लिए इसे पकाएंगे, लेकिन बीच बीच में चेक जरूर करेंगे। तो मैंने 3 मिनट बाद इसे एक बार उठा के आपको दिखाया था कि किस तरह की कंसिस्टेंसी इसकी हुई है। तो ये 3 मिनट हुए थे, इसे मैंने उठा के देखा है, बिल्कुल मसाले हमारे पकने शुरू हो चुके हैं। हम वापस ढक्कन लगा के इसे 2 से 3 मिनट और पकाएंगे कि इसे सॉफ्ट करना है बिल्कुल। तो बस 2 से 3 मिनट ये पक चुका है। अब इसकी कंसिस्टेंसी देखते हैं हम क्या है। तो बस अब देखते हैं, देखिए अब पूरा ड्राई हो चुका है, मसाला पक चुका है, कलर भी चेंज हो चुका है ना, लेकिन हमारे करौंदे पके हैं या नहीं वो चेक कर लेते हैं भैया, सॉफ्ट हुए या नहीं। उनको सॉफ्ट करना बहुत ज़रूरी था हमें। तो बस ये देखिए, बिल्कुल हमारे करौंदे बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं। बस यहाँ पर हमारे यहाँ पर सिस्टम खत्म। अब क्या करेंगे, इसके अंदर डालेंगे 2 टेबल स्पून शुगर। जी हाँ, चीनी, गुड़ भी डाल सकते हैं अगर आपके पास गुड़ हो तो। मेरे पास चीनी है तो मैं चीनी डाल रहा हूँ, खट्टी मीठी मैंने आपको बताया ना, रेसिपी बना रहा हूँ। 2 से 3 टेबल स्पून आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, मीठा कितना करना है। तो बस ये 2 से 3 मिनट इसको पकाएंगे, इसको बिल्कुल स्लो फ्लेम के अंदर पकाएंगे हम 2 से 3 मिनट चीनी डालने के बाद। तो एक खट्टी मीठी हमारी कलौंजी की चटनी बोल सकते हैं, सब्जी बोल सकते हैं, वो बिल्कुल हमारी है तैयार। तो ये देखिए, ये कंसिस्टेंसी बिल्कुल आ चुकी है। इसे आप 1 महीने तक स्टोर करके रख सकते हैं फ्रिज के अंदर, ध्यान रखिएगा, फ्रिज के अंदर। तो बस इसे सर्व करते हैं। अब इसे आप पराठे के साथ खाइए, अचार की तरह यूज़ करिए, जैसे आपको खाना है ना वैसे खाइए। फ़ायदे मैंने आपको इसके बता दिए थे,
बरसातें हो रही है तो इसे यूज़ ज़रूर करिएगा, शरीर के अंदर फ़ायदा देगी, नुकसान नहीं देगी। तो कैसी लगी मेरी रेसिपी? अच्छी लगी मेरी रेसिपी तो मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। नई रेसिपी नई वीडियो के साथ वापस हाजिर होता हूँ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।